प्रधानमंत्री जी की प्रतीक्षा हम लोग काफी समय से कर रहे थे और इस बार वाराणसी बहुत लंबे समय के बाद आ रहे हैं, क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया ग्लोबल क्राइसिस से, कोरोना के संक्रमण काल से गुजर रही है। तो लगभग 9 माह के बाद प्रधानमंत्री जी फरवरी में आए थे, 16 फरवरी को। और हम लोग की तैयारी है कि बनास के जो शिल्पी हैं, बुनकर हैं, यहाँ के जो GI उत्पाद हैं, वो उनको स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किया जाता है। तो सारनाथ में उनकी यात्रा हो रही है और वो पहली बार उनकी यात्रा सारनाथ हो रही है। तो यहाँ पे छाही गांव के जो मास्टर बीवर हैं बचालाल मौर्या, उन्होंने कैलीग्राफी से सारनाथ है तो इसलिए सारनाथ से संबंधित भगवान बुद्ध के जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, इसको उन्होंने बुनाई कर दिया है अंगवस्त्र के ऊपर में। जैसे साड़ी बुनी जाती है वैसे उन्होंने कैलीग्राफी भी दी से इसको बुन दिया है, और बीच में पीपल की पत्ती को भी उन्होंने बुनाई किया है, और मैरून कलर के दुपट्टे के ऊपर में पीले रंग के रेशम के धागे से बुनाई की गई हैंडलूम पे। ये GI उत्पाद है और उत्तर प्रदेश का ये ODOP उत्पाद भी है। तो वो उन्होंने तैयार किया और उनकी ये मंशा है कि जो प्रदेश के मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी सारनाथ में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस अंगवस्त्रम से उनका अभिनंदन करे, स्वागत करे सारनाथ की धरती पे, बुद्ध की तपोस्थली पे। यही है, और ये बनारस के बुनकरों शिल्पियों की तरफ से एक यही एक अभिनंदन का तरीका है। इसी की तैयारी में सब लोग लगे हुए हैं और अंगवस्त्रम तैयार हो चुका है और अंगवस्त्रम अब वो प्रशासन तक वो पहुंच रहा है, जिसके माध्यम से फिर आगे वो चीजें प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बनारसी ताना बाना, प्रधानमंत्री को पहले भी इस तरह के तोहफे जा चुके हैं आप लोग के जरिए? हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके पहले कबीर का शहर है तो झीनी झीनी बीनी चदरिया, इसको बचलाल जी ने इसको वीविंग किया था। बाद में वंदे मातरम को वीव किया गया था। इसके बाद गीता के श्लोक को यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भारतः के साथ में शंख की आकृति को बनाया गया था। जब प्रधानमंत्री जी इसके पहले जब वो चुनाव के दूसरे फेज में यहाँ पे काशी आए थे, तो वो चुनाव का समय था, तो गीता के श्लोक से बना हुआ अंगवस्त्र गया था। और अभी ये देव दिवाली का समय है और सारनाथ की यात्रा हो रही है, तो सारनाथ से संबंधित अंगवस्त्र भगवान बुद्ध के ये महामंत्र के साथ वो अंगवस्त्र उनको भेंट करने की ख्वाहिश है यहाँ के बुनकरों की, शिल्पियों की। और हम सारे लोग ये गौरवान्वित हो रहे हैं कि एक लंबे कालखंड के बाद में प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसका लाभ बड़े पैमाने पर यहाँ के बुनकरों को, शिल्पियों को, क्योंकि उनकी यात्रा के बहुत मायने होते हैं, बहुत मकसद होते हैं उनकी यात्रा के। और प्रधानमंत्री जी की यात्रा मतलब एक अलग तरह की यात्रा होती है, उसमें पूरी दुनिया को अलग संदेश जाता है। तो इससे बनारस का जो पर्यटन बढ़ेगा, बनारस का हस्तशिल्प उद्योग बढ़ेगा, हथकरघा उद्योग बढ़ेगा, और पूरी दुनिया में एक बार फिर से बनारस का जो गौरव है देव दिवाली के माध्यम से, वो दुनिया का अनूठा उत्सव है। लगता है कि स्वर्ग पृथ्वी पर उतर रहा है। तो ये उत्सव कहीं होता ही नहीं है, पूरी पृथ्वी पर वो उत्सव कहीं नहीं है, और प्रधानमंत्री जी खुद उसमें शिरकत कर रहे हैं, भागीदारी कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक तरह से वो ब्रांड एम्बेसडर है यहाँ के शिल्पियों के, बुनकरों के लिए, और यहीं के नहीं काशी के नहीं, देश के लिए है। वो पूरे देश में लोगों की चीज़ों को, और विशेषकर GI के जो उत्पाद हैं, जो बनारस में 12 GI उत्पाद अकेले हैं यहाँ पे, तो GI के उत्पादों को तो बहुत प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं। और अब तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ये दोनों इस तरह के GI उत्पादों के प्रमोशन में काम कर रही है, जिससे आने वाले समय में शिल्पियों को, बुनकरों को, किसानों को, जो दूसरे उत्पादक हैं, उनको भी एक बड़ा काम मिलेगा। क्योंकि देश की बौद्धिक संपदा है और ये पूरी दुनिया में जाएगी। इस बौद्धिक संपदा से इस देश का गौरवगान होगा, शिल्पियों का, बुनकरों का सम्मान होगा, किसानों का सम्मान होगा। तो यही हम लोग की अपेक्षा है प्रधानमंत्री जी की यात्रा, और बहुत ही सारे लोगों के लिए फलदायी होगी और ये अनोखा रहेगा, सब लोग के लिए अनोखा रहेगा, क्योंकि देव दिवाली पर पहली बार काशी उनका आगमन हो रहा है सर।